नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल का हाल, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उनके इंटेंशन क्या है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। देखते हैं क्या हाल है आपके पर्सन का, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, उनके दिल का हाल क्या है। ओके, सबसे पहले ही कार्ड में बता दिया कि बड़े रिस्क टेकर है आपके पर्सन, जल्दबाजी जो इतनी रहती है ना, हो सकता है कि कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा बेवकूफी वाले काम कर देता है, बहुत ज्यादा बेवकूफी वाले ऐसे डिसीजन ले लेता है, फिर उसको खुद, ठीक है, उसका खुद भुगतान करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी ने इसको गाइड करने की भी कोशिश की, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपने इसको गाइड करने की कोशिश की, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। अब बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है आपके पर्सन के अंदर, ऐसे भी कुछ लोग हैं, और ये इंसान अपनी ही मस्ती में जीने वाला इंसान है, किसी की कोई बात नहीं सुनता है। और जो बात नहीं सुन रहा है, ये जो इंसान इतना जल्दबाजी करता है, इतना ज़्यादा रिस्क टेकर है ये इंसान, इसको खुद को ही इसका भुगतान करना पड़ सकता है। अभी इस वक्त आपके पर्सन कुछ, देखो ये इंसान ऐसा है कि जब कुछ गलत डिसीजन लेना होता है तो बड़ा जल्दबाजी, ठीक है, बड़ी जल्दबाजी कर देता है, और कोई अच्छा डिसीजन लेना हो तो फिर उसको देर लगाता है। इस वक्त ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की कि उनको शादी भी करनी है, ठीक है, उनको आपके साथ शादी करनी है, इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और आपके पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान को कोई डर हो सकता है, इनके घर वालों का डर हो सकता है, ये इंसान से बात करना चाहते हैं लेकिन इनको ऐसा डर लगता है कि कोई देख लेगा, कोई कुछ बोल देगा, ठीक है। इस इंसान को ना ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि बड़ा डर लगता है, और रिस्क टेकर होने की वजह से इस इंसान ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया कि हो सकता है कि रिश्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि ये जो इंसान इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करता है, इतनी ज़्यादा जो हरकत कर देता है, उसकी वजह से आपने भी बहुत ज़्यादा लॉस, इमोशनल लॉस आपका भी हुआ है, नुकसान आपको भी भुगतना पड़ा है। मतलब गलती कोई और कर रहा है, ठीक है, और नुकसान उसका आपको हो रहा है, लॉस उसका आपको हो रहा है, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। गलतियाँ ये इंसान करे और भुगतान आपको करना पड़े, ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं। इस इंसान का क्या है कि कभी कभी ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, तो कभी कभी बिल्कुल कॉन्फिडेंस इसका गायब हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान ने अब पूरी हिम्मत के साथ जो डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस इंसान को आगे बढ़ने की जरूरत है। जिस तरह से आप एनर्जी आई है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचने की, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। शादी के बारे में भी सोच रहे, फिर भी सीरियसनेस नहीं दिखाई दे रहे इस इंसान के अंदर, जबकि चाहता है कि वो आपसे शादी करे। इस वक्त इस तरह से एनर्जी है कि किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि रिश्ता तो टूट रहा है, और ना आपके घर वाले मान रहे हैं, ना उस इंसान के घर वाले मान रहे हैं। लेकिन ना कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन के घर वाले या आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं सृष्टि के लिए, आपके पर्सन डरते हैं आपसे बात करने से भी डरते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, ठीक है, और जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं वहाँ पर बड़ा रौब झाड़ता है ये इंसान, ठीक है, और जहाँ पर ज़रूरत है इस सृष्टि के लिए जो एक्शन लेना चाहिए वहाँ पर एक्शन नहीं लेता है, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, वहाँ पर रोप झाड़ने की कोशिश करता है आपके ऊपर। ऐसा भी कुछ लोग यहाँ पर हैं कि जहाँ पर जिस टाइम पर उसको एक्शन लेना चाहिए वहाँ पर एक्शन लेता नहीं है आपका पर्सन, और जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है ये वहाँ पर एक्शन ले लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंसान ने अपनी गलतियों को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, जो इंसान करता नहीं है। गलती किससे नहीं होती है, हर किसी से गलती होती है, लेकिन ये इंसान है कि अपनी गलतियों को ये मानता नहीं है या मानती नहीं है। ओके, तो सबसे पहले इसको अपनी गलतियों को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ ही इंसान को इंसान बनाती है ना, भगवान थोड़ी है हम कि हमसे कोई गलती नहीं होगी, इंसान है और इंसान से गलतियाँ होगी, लेकिन उस गलती को दोहराना नहीं है। तो जिस तरह से अपने जो है अभी तक ये इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करना चाहता, हो सकता है इसने आपको ब्लेम किया, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे ये इंसान हर वक्त आपको ब्लेम कर रहा था। हो सकता है आजकल भी कुछ ऐसा हाल है कि इंसान हमेशा आपको ब्लेम करता रहता है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकार ही नहीं करता। इस इंसान को एक फाउंडेशन बिल्ड करने की जरूरत है, इस इंसान को स्ट्रांग बनने की जरूरत है, इस इंसान को अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, जरूरी है। जिस दिन ये इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा, आप देखो ये रिश्ता कैसे स्मूथली आगे बढ़ता है, कैसे ये बात शादी तक जाती है,
क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप पर है, शादी तक बात डेफिनेटली जाने वाले हैं, लेकिन कब, जब इस इंसान को एहसास होगा। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हो सकते हैं और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं कि इस इंसान की गलतियों की वजह से हमेशा आपको भुगतान करना पड़ा है और आप इस इंसान से दूर चले गए हो या गुस्से में दूर चले गए हो, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और ना ये इंसान आपके बिना खुश है, ना आप इस इंसान के बिना खुश हो। ये इंसान भी रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हो सकता है इस इंसान को लोग क्या कहते हैं इसको बहुत फर्क पड़ता है, मतलब आपसे भी ज़्यादा, इस रिश्ते से भी ज़्यादा लोग क्या कहेंगे इसको बहुत फर्क पड़ता है, और फिर लोग क्या कहेंगे इसके लिए अपनी गलतियों को छुपाता रहता है। इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार करे, क्योंकि उसको डर है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ठीक है। तो फिर ये अपनी गलतियों को छुपाता रहता है। तो जिस तरह से अपना जो है बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता ये बन सकता है जब ये इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। और कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि जैसे इस इंसान की दुनिया हिल गई है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसी बात थी कि इंसान आपको ब्लेम करता रहा, आपको परेशान करता रहा हमेशा, इसने आपकी, ठीक है, किसी किसी के साथ, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इसने इंसानियत, ठीक है, आप सोचते रहे कि इसमें इंसानियत है कि नहीं, बिल्कुल सोचा नहीं इसने कि आप किस दर्द में हो, आप किस तकलीफ में हो। या तो आपको ब्लेम करता रहा, या तो आप चाहते थे इस रिश्ते की शुरुआत हो नहीं, आप चाहते थे कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो, लेकिन इस इंसान ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। और अब जैसे कि बिजली कैसे कड़क दी है, बस वैसे ही कुछ इस इंसान के जीवन में हो रहा है, और इस इंसान की पूरी दुनिया हिल गई है। इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या एक्शन ले, कैसे आगे बढ़े, जैसे कि स्टक, एक स्टक सी एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। अगर ये इंसान आपकी तरफ आता है तो आपको ज़रा इस इंसान को प्यार से समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान एक होता है ना कि बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए इसने अगर आपको बहुत मेंटल पेन दिया है, बहुत हर्ट किया है, दिल तोड़ दिया है, आपका रिश्ता तोड़ दिया है, तो ये इंसान उसका भुगतान कर रहा है, और ये ज़रूरी भी था, ठीक है। जब तक इंसान भुगतान नहीं करेगा तो ये इंसान आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को कैसे समझेगा या कैसे समझेगी। तो ईश्वर चाहते हैं कि इसको समझ में आए, तो ईश्वर इसको वही देंगे जिसके बाद ये लेसन सीखे और फिर समझ पाए कि उसको अब क्या करना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग हैं कि इसने आपको बहुत परेशान किया, इसकी जैसे कि सज़ा इसको मिल रही है, जैसे कि यूनिवर्स ने इसके लाइफ में कुछ लेसन दिए हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये आपका हाल हो सकता है, इसने आपका ये हाल बना दिया। कुछ लोग, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि आज आप इतने ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो कि जैसे होता ना कि बहुत बहुत तकलीफ में हो आप, आपकी मेंटल हेल्थ की तो धज्जियाँ उड़ ही गई हैं, लेकिन आप बहुत सैड दिखाई दे रहे हो, आइसोलेशन में चले गए। किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि रिश्ता भी टूट गया और आपको किसी गॉसिप का शिकार भी आप हो गए हो, और उससे और ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर आप इस सिचुएशन में हो, तो अब आपको शांत रहना पड़ेगा, कुछ रेस्ट करने की, कुछ आराम करने की आपको ज़रूरत है। जिस तरह से आप एनर्जी, एक हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस। और किसी किसी के लिए आप बहुत बिजी भी हो सकते हो, ये तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत बिजी हो, जैसे होता ना कि सांस लेने के लिए भी वक्त नहीं है, ओके। तो जो भी आपके ज़िंदगी में चैलेंजेस है या इस रिश्ते में जो चैलेंजेस हैं, जो भी टेंशन है, उसको तब आप फेस कर पाओगे जब आप रेस्ट करोगे, आराम करोगे। आपको आराम की बहुत ज़रूरत है, ओके। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। हो सकता है बहुत बर्डन में हो, बहुत स्ट्रेस में हो, ठीक है। वैसे देखा जाए तो कुछ ऐसी बातें यहाँ पर घटित हुई है जिसके बाद सब कुछ पॉजिटिव ही होना है, सब कुछ अच्छा ही होना है, ओके। तो ये बात यहाँ पर है। आप में से बहुत लोग, आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए ये मैसेज है कि आपको ज़रा मुस्कुराना है, हंसना है। हो सकता है कुछ लोग आप ऐसे कि आपकी आँखों में आंसू है, दिल में दर्द है, इतनी जो तकलीफ आप सह रहे हो। देखो, जो दर्द देता है उसको इसका एहसास बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जो दर्द सहता है, जो दर्द में, पीड़ा में जीता है, उसको पता है कि तकलीफ क्या होती है, दर्द क्या होता है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप इस तकलीफ में हो, आप इस पीड़ा में हो, और तभी आपको यूनिवर्स की तरफ से, यूनिकॉर्न की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपको हंसना है, आपको मुस्कुराना है। और देखो, खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कि जैसे कि इस व्यक्ति ने, ये जो कोई भी व्यक्ति है, इसने जैसे आपके चेहरे की मुस्कान ही छीन ली है, आपके चेहरे पर वो मुस्कान होनी चाहिए, तब जाके आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हैं। आपका इंट्यूशन, हो सकता है कि आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त है,
हो सकते हैं कि आपको एनिमल्स पसंद है, आपके घर में कैट भी हो सकती है, डांस करना अच्छा लगता है, कोई यहाँ पर डांसर हो सकता है, या कोई क्रिएटिव ओके कोई क्रिएटिविटी आप में है ओके ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। अब कैंडल से देखते हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आपको लाइक करना है, आपके पर्सन के बारे में सोचना है। देखो किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इंतजार कर रहे हो कि कब ये इंसान आपसे बात करे, कुछ बातें ऐसी कि जो आपके भी मन में जैसे अटक गई है, आप भी कुछ शेयर करना चाहते हो और आप इंतजार कर रहे हो कि कब ये इंसान कब शेयर करेगा। आप चाहते हो कि इंसान दिल खोल कर बात करे, आप चाहते हो कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इसके मन में कड़वाहट है, चाहे टेंशन है, चाहे जो भी है, चाहे इस रिश्ते को लेकर हो, चाहे इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो उसके बारे में हो, आप चाहते हो कि ये खुलकर आपसे बात करे। सैजिटेरियस हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, या तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है, जिस तरह से आप एनर्जी है गाइस, आपके पर्सन हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वो जो सैडनेस है ना, वो जो दिल की बात है, आप तक शायद ये इंसान जो बिल्कुल शेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन आने वाले समय में आपके पर्सन वो बातें शेयर कर सकते हैं। किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि आपको रिजेक्शन मिला है, आप नहीं चाहते थे कि इंसान आपको रिजेक्शन दे, लेकिन ऐसा हुआ है किसी किसी के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया हो, या बहुत झगड़े हो गए हो, या इस इंसान ने, मैंने पहले बोला कि कुछ बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर दी है, कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए हैं जो बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए सही नहीं साबित हुए हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा था, मतलब देखो होता क्या कि जो आपका पार्टनर है ना, जब ये डिसीजन लेता है तो फुल कॉन्फिडेंस में रहता है, इसको लगता है कि हाँ ये सही कर रहा है या सही कर रही है, लेकिन बाद में इसको पछतावा होता है, और अगर अभी तक भी नहीं हुआ तो आगे जाकर उसको बहुत पछतावा होने वाला है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, कुछ लोग तो यहाँ पर कि आपके पर्सन अभी बहुत पछता रहे हैं वो खुद के डिसीजन को लेकर। हुआ क्या है, इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की जब आपकी कदर करनी चाहिए थी, जब इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए तो इसने कदर नहीं की, और जब आपसे दूर चला गया है, अब इसको लगता है कि सब कुछ खराब हो चुका है, बिखर चुका है, तब इसको आपकी कदर हो रही है। जिस तरह से आप एनर्जी है, इस इंसान ने आपको रिजेक्शन दिया है और इसने ज़रा भी नहीं सोचा, और अभी इस वक्त आपके पर्सन का हाल कुछ ऐसा है कि ये क्या कर दिया, मतलब हो सकता है कि ये एक अलग ही धुन में रहता है इंसान, जैसे कि इस इंसान ने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर ली है, जहाँ पर ये इंसान सिर्फ खुद की मानता है, ठीक है, इसके सिर्फ खुद के डिसीजन चलते हैं, कुछ ऐसा किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट हो सकता है। हो सकता है कि इसने आपकी बातें तो मानी ही नहीं, जिस तरह से आप एनर्जी है, इस इंसान आपकी कोई बात नहीं मानी, जब जब आपने इस इंसान को समझाने की कोशिश की तब तब इस इंसान ने आपको उल्टा सुना दिया, चार बातें आपको सुननी पड़ी, लेकिन इस इंसान ने आपकी कोई भी बात नहीं मानी। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि आपके पर्सन आजकल बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इस इंसान का मन हो सकता है अभी भी कुछ ऐसी एनर्जी के रोने को मन कर रहा है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, और किसी ने जैसे कि धोखा दिया है, या तो किसी और ने इस इंसान के मन में कुछ गलत बातें भर के धोखा देने के लिए मजबूर कर दिया, या तो इंसान खुद आपको धोखा देकर चला गया, ऐसे भी कुछ लोग हैं। जैसे जल बिन मछली कैसे तड़पती है, वैसे कुछ ही इंसान तड़प रहा है आपके लिए इस वक्त, ऐसे भी कुछ लोग हैं। इस इंसान को ना देखो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान ने हमेशा ऐसा सोचा था कि वो सब कुछ जो कहेगा बस वैसे ही होगा, उसको जैसा लगेगा वैसा व्यवहार वो करता गया, आपको हर्ट करता गया, आपके मन के बारे में इसने ज़रा भी नहीं सोचा। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको बुरी तरह से हर्ट कर दिया है, हो सकता है कि फ्रीडम की कमी रही है इस रिश्ते में, ब्लॉक किया हो आपको, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग आप ऐसे कि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, कुछ बहुत ही अलग अलग मोड़ पर, ठीक है, हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में जो भी अलग अलग मोड़ आया, आपने हर मोड़ पर इसका साथ दिया, लेकिन इस इंसान की तरफ से वो साथ आपको नहीं मिला, इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। बातें छुपाना, ठीक है, आपको सीधी सीधी बात नहीं बताना, जब भी आप इस इंसान को कुछ पूछने के लिए जाते थे तो बड़ा घुमा फिरा के आपसे बात करना, ऐसा रहा है इस इंसान का स्वभाव। और जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके बारे में जो नहीं सोचा, आपको हर्ट कर दिया, देखो जब भी इंसान किसी को हर्ट करता है वो जितना चाहे एक अलग ही एटीट्यूड में जी रहा हो, लेकिन कभी ना कभी उसको ये एहसास होता ज़रूर है, और ऐसा नहीं कि इस इंसान को एहसास होगा नहीं, अभी भी हो रहा है, और आगे जाकर तो और पछताएगा ये इंसान। लव बर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, हो सकता है इनके घर में लव बर्ड्स हो, या आपके घर में लव बर्ड्स हो, या आपको लव बर्ड्स पसंद हो, आप जो इतना ज़्यादा तड़प रहे हो ये इंसान भी तड़प रहा है। किसी किसी के लिए, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, किसी किसी के लिए यहाँ पर प्यार है,
लेकिन कुछ गलत डिसीजन की वजह से आज आप दोनों अलग हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि हो सकता है कि आप इस इंसान के लिए सब कुछ करते गए, लेकिन इस इंसान ने आपकी ज़रा भी कदर नहीं की। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ कुछ लोग आप ऐसे हैं कि इस इंसान ने ज़रा भी कदर नहीं की। जो बन सकता था आपने किया इस इंसान के लिए, लेकिन इसने आपकी कदर नहीं की और ऊपर से आपको हर्ट कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। किसी किसी के लिए हर्ट तो कर दिया, अब रातों की नींद उड़ चुकी है इनकी। पहले तो बड़ा हर्ट कर दिया आपको, ज़रा भी नहीं सोचा आपके बारे में, और अब जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं। देखो, जैसे आप स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, आपके पर्सन भी स्ट्रेस में है। ऐसा नहीं कि आपको दुख देकर वो बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। आपको दुख देकर वो भी बहुत दुखी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इंसान अपनी गलतियों पर जितना सोचना चाहिए उतना आज भी नहीं सोच रहा है। एक इंसान एक अलग ही दुनिया में है, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। किसी किसी के लिए आप चाहते हो कि इंसान सच सच बोले, आप चाहते हो कि इंसान फेस टू फेस आपसे बात करें। देखो, आप तो इस इंसान को मिलने के लिए तैयार हो। कुछ लोग ऐसे भी है कि आपने कोशिश भी की इस इंसान से मिलने की, लेकिन ये इंसान हो सकता, देखो इंसान की जब गलतियाँ होती है ना तो वो मिलने से कतराता है। तो इस इंसान की कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है कि ये इंसान मिलने से आपसे कतराता है, और आप तैयार हो इस इंसान को मिलने के लिए, लेकिन हो सकता है कि इसने आपको अवॉइड किया या आपकी बातों को माना ही नहीं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। कुछ ब्लैक एनर्जी यहाँ पर ऐसी है, हो सकता है किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि जैसे किसी की बुरी नज़र लगी हो। हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा शाइन कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि किसी किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि आप दोनों की जोड़ी बड़ी परफेक्ट थी, ठीक है। तो जैसे किसी की नज़र लगी हो आपको, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। कुछ हेटर्स, कुछ जलने वाले, कोई नज़र लगी हो, ऐसे भी कुछ लोग हैं। और किसी किसी के लिए आपकी मेंटल हेल्थ तो खराब हो ही गई है, आपकी मेंटल हेल्थ की तो धज्जियाँ उड़ ही गई हैं, लेकिन फिजिकली भी आप फिट नहीं हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आपको नज़र उतारने की ज़रूरत है, अपनी नज़र उतार लो पहले, ठीक है। जलने वालों की बहुत बुरी नज़र होती है, ओह माय गॉड, बहुत बुरी नज़र होती है जलने वालों की। पहले खुद की नज़र उतार लो। मन ही मन जलता है कोई आपसे, कोई सीक्रेट, ठीक है। और जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कुछ पेंटेकल्स को लेकर भी बात यहाँ पर आई है। हो सकता है कि आपके पर्सन पैसा कमाना चाहते हैं, या किसी किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि कोई आप दोनों में से कोई एक अमीर है, कोई गरीब है, ऐसी कुछ एनर्जी है, ठीक है। ऐसा भी किसी किसी के साथ रिजल्ट करेगा, या तो कुछ पैसों का लेन देन हुआ है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान ने जितना आपको हर्ट कर दिया है ना, उतना ही इंसान अब परेशान भी हो रहा है। देखो, ये ब्रह्मांड जो है ना, यहाँ पर जो इंसान देगा वही उसके पास लौट कर आएगा। इसने जो दिया है वही इसके पास लौट कर जा रहा है। आज आप जिस दुख में हो ना, आप तो उस दुख में से बाहर निकल जाओगे, लेकिन जो आपको दुख दे रहा है, चाहे ये इंसान हो चाहे कोई और भी हो, ठीक है, चाहे आपका पार्टनर हो चाहे कोई और हो, जिसने भी आपको दुख दिया है, आज आप उस दुख में हो और आप उस दुख में से बाहर निकल जाओगे, लेकिन जिसने आपको दुख दिया है उसको भुगतना पड़ेगा, उसको वो भुगतान बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। किसी किसी लिए आपके पर्सन चश्मा पहनते हो, किसी लिए आपके पर्सन कोई जॉब करते हो, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। आपके पर्सन अब देखो, ये इंसान अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा है, कोई बात इसको भी बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिस तरह से आपने उम्मीद की थी वैसा कुछ इस रिश्ते में घटित नहीं हुआ है। कुछ ऐसा जो सोचा भी नहीं था वो घटित हो गया, रिश्ता टूट गया। आपने सोचा भी नहीं था कि इस रिश्ते में ऐसा भी कुछ हो सकता है। आपने बहुत ट्रस्ट किया था इस इंसान के ऊपर, किसी किसी के लिए शादी का वादा भी किया था इस इंसान ने। ऐसे भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे शादी का वादा किया, तोड़ दिया उस वादे को, या आपसे दूर जाते समय इसने ज़रा भी नहीं सोचा। ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो ये कुछ एनर्जी आप पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलते अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।